ताहिर भाई हमारे साथ, ये अपने फॉर्म की अभी हमें सैर कराएंगे, जब हम देखते हैं कैसा है। तहर भाई बताइए, ये कौन सी जगह पे हम? ये किंग सिटी का एरिया है, वान के साथ आगे हमारे पीस विलेज के पास 15-20 मिनट लगते हैं यहाँ पहुँचने के। तो ये हमारा एक 10 एकड़ का फार्म है। तो वैसे तो हमारे और भी फार्म्स हैं, एक 100 एकड़ का यहाँ से कोई 1.5 आवर के ड्राइव पे है, एक कोई 850 का है वो विनीपैग में है, 2 घंटे की फ्लाइट है। तो इसको हमने इस तरह से मेहमानों के लिए ज़्यादा हम इसको यूज़ करते हैं, अपने कोई गेस्ट वगैरह आ जाएँ या कभी हम खुद भी आ जाते हैं। तो थोड़ी बहुत यहाँ पे वेजिटेबल्स, ये ब्लैक सॉइल है सारी, तो यहाँ पे बड़ी हाई फर्टाइल है, वेजिटेबल्स का काफ़ी होता है यहाँ पे फार्मिंग। तो थोड़ी हम वेजिटेबल्स हम भी लगाते हैं, गार्लिक वगैरह की फसलें हमने लगाई हैं, तो इस हिसाब से डिफरेंट करते रहते हैं। तो यहाँ जो फार्मिंग है वो इंडिया पाकिस्तान से डिफरेंट होती है बिल्कुल? हाँ, यहाँ पे काफ़ी डिफरेंट है स्टाइल। यहाँ पे एक तो क्योंकि ज़मीनें बड़ी हैं तो मशीनरी भी काफ़ी बड़े लेवल पर यूज़ होती है, और जो वर्कर्स हैं वो भी ज़्यादा ये हम साउथ अमेरिका या मेक्सिको वगैरह से लेके आते हैं। तो ये है कि ज़्यादा मशीनरी से जो है ना फार्मिंग होती है, और होती भी ज़्यादा 6 मंथ्स है क्योंकि 6 महीने यहाँ पे स्नो पड़ी रहती है, तो उससे ज़रा ज़मीन को, वैसे ज़मीन ज़रा फर्टाइल भी रहती है, ज़रा उसको कवर भी मिल जाता है, और मतलब कि वाटर का भी काफ़ी एक्सेसिव वाटर रहता है। बल्कि यहाँ पे हमारी ज़मीन में इंतज़ाम इस तरह का हमने किया होता है कि एक्स्ट्रा पानी निकालना पड़ता है, तो बारिशें काफ़ी होती हैं तो फसलें बड़ी भरपूर होती हैं, ज़मीन बहुत रखेज़ है। तो ज़्यादातर कौन सी फसलें होती हैं जो आप लगाते हैं इस एरिया में? वेजिटेबल्स हैं ज़्यादा, गार्लिक है, अनियन है, अनियन का काफ़ी हैवी इधर होता है, कैरेट्स हैं। यहाँ पे हमारे एक और भी MD हैं भाई, उन्होंने भी यहाँ पे करीब में फार्म लिया हुआ है। कुछ और हैं जिनको थोड़े दूर इधर आसपास में भी हैं, लेकिन जो इसी के अंदर हैं हॉलैंड मार्श के एरिया में, वो उन्होंने इस साल अनियंस लगाए हुए थे, उनकी काफ़ी अच्छी फसल हुई है, तो उनके 12-13 एकड़ हैं, इस तरह से है। शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن